असल में प्रोटीन की बात करते हैं तो एलियन कलर्स को कह रहे हैं यहाँ पर यूटिलाइज करने के लिए। कहता है कि आप इमेजिन करें कि एक एलियन है जिसके साथ हम एक शूट डाउन गेम खेल रहे हैं, ठीक है। आपने एक वेरिएबल क्रिएट करना है सबसे पहले एलियन कलर के नाम से, और उसको वैल्यू असाइन करनी है ग्रीन, येलो या फिर रेड में से कोई एक, ठीक है। फिर दो टास्क दिए हैं जिनमें कहता है कि राइट एन इफ स्टेटमेंट टू टेस्ट वेदर द एलियन कलर इज ग्रीन, इफ इट इज प्रिंट अ मैसेज दैट द प्लेयर जस्ट अर्न 5 पॉइंट्स। अच्छा, अगर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करती हूँ एलियन का एलियन कलर के नाम से, उसको ग्रीन देती हूँ, तो मैसेज कंसोल आपको प्रिंट होना चाहिए 5 पॉइंट्स, ठीक है। ये तो समझ आ गया। राइट वन वर्जन ऑफ दिस प्रोग्राम दैट पास द इफ टेस्ट एंड अदर द फेल, द वर्जन दैट फेल विल हैव नो आउटपुट। यानी कि अगर जब मैं इफ की कंडीशन ग्रीन में यूज कर रही हूँ तो मेरे पास 5 पॉइंट्स आने चाहिए, और जब मैं नहीं यूज कर रही तो मेरे पास कोई भी आउटपुट नहीं आना चाहिए, कोई भी आउटपुट नहीं आना चाहिए। अच्छा चले, सही है। पहले स्टेटमेंट करके देखना, फिर दूसरे को देखेंगे। जहां तक मुझे समझ आई है, इसने कहा कि आप एक लेट लें और एलियन अंडर स्कोर कलर के नाम से एक यहाँ पर ले लें, हम अपनी क्या ले लें, स्ट्रिंग ले लें, उस स्ट्रिंग को हम जो है वो ग्रीन कलर डिक्लेयर कर, ठीक है। यहाँ तक मुझे बात समझ आई। इसने कहा कि अगर मेरा एलियन कलर जो है वो यहाँ पर बराबर हो, किस चीज के इक्वल हो, यहाँ पर यानी कि उसकी डेटा टाइप और उसका वेरिएबल दोनों चीजें मेरे पास यहाँ पर ग्रीन के इक्वल हो, तो उस केस के अंदर इसने क्या करना है। उस केस के अंदर इसने कहा था कि कंसोल डॉट लॉग के अंदर आप प्रिंट करा दो, आप कैसे प्रिंट करा दो, यू अर्न 5 पॉइंट्स, ठीक है। ये यहाँ तक की बात तो मुझे जो है वो बिल्कुल क्लियर इसकी समझ में आ गई थी। तो अब हम यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं कि हमारे पास ये रिजल्ट लिखा हुआ आता है या फिर हमारे पास ये रिजल्ट लिखा हुआ नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे स्पेल चेक है और क्या करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से काम करती हूँ। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एलियन कलर का था ना, डिफाइन कर, अगर मैं सिर्फ एलियन कलर को डिफाइन करती और इफ की कंडीशन हमेशा ब्रैकेट्स में पुट आउट करें ताकि आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक हो जाए, एंड देन आप इसको सेव करें, टर्मिनल में रन करें और अंदर देखें कि यू अर्न 5 पॉइंट्स लिखा हुआ आता है हमारे पास, क्योंकि पहले टास्क तो मुझे समझ में आ गया इसने क्या करने को कहा था, ठीक है। यू अर्न 5 पॉइंट्स हमारे पास लिखा हुआ आ गया, तो पहला टास्क यहाँ से जो है वो हमारा कम्प्लीट हो गया, इसको कॉमेंट कर देते हैं। अब इसने दूसरे टास्क में मुझसे कहा कि प्रोग्राम तो मैं क्रिएट करूँ लेकिन मुझे एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसका कोई भी आउटपुट नहीं होना चाहिए। तो यानी कि अगर मैं ग्रीन कलर के अलावा येलो या रेड कलर को मेंशन करूं तो आउटपुट नहीं आना चाहिए, सही है, ठीक है। तो हम दोबारा से करते हैं, हम लेते हैं एक लाइट का वेरिएबल, दोबारा मैं एलियन कलर को जो है वो यहाँ पे डिफाइन करती हूँ, एलियन कलर को मैं क्या करती हूँ ऊपर वाले से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं, स्ट्रिंग करते हैं, ठीक है। ऊपर वाले से थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया हमने इसको स्ट्रिंग में डिक्लेयर किया, स्ट्रिंग में डिक्लेयर करके मैंने एक रेड कलर में इसको डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पर स्पेस दीजिएगा, यहाँ पर स्पेस आता है हमेशा, ठीक है। इसके बाद मैं कंडीशन देती हूँ कि अगर क्या होना चाहिए, मेरा एलियन कलर यहाँ पर डेटा टाइप में और साथ ही साथ वेरिएबल में दोनों में बराबर हो, किस चीज के, ग्रीन के, ठीक है। यानी कि अब ये ग्रीन के इक्वल हो तो उस केस के अंदर क्या करे, कंसोल डॉट लॉग के अंदर ये प्रिंट करा दे, क्या चीज प्रिंट करा दे, पहले मैंने क्या चीज लिखी है, यू अर्न 5 पॉइंट्स, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे नो आउटपुट, ठीक है, हम सिंपल नो आउटपुट दे देते हैं एंड नो आउटपुट दे के चेक करते हैं कि क्या आउटपुट आता है या नहीं आता। अच्छा, इसका ना आउटपुट नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले जो वेरिएबल डिक्लेयर किया उसमें मैंने रेड कलर डिक्लेयर किया, मैंने कहा कि अगर डेटा टाइप सेम हो और वेरिएबल सेम हो, देखो रेड ग्रीन दोनों में फर्क है, तो इसलिए इसका आउटपुट ना नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इसको चेक करते हैं यहाँ पर टीएससी मेन डॉट टीएस करके, एंड यहाँ पर इसका रिजल्ट चेक आउट करते हैं हम अपने नोड मेन डॉट टीएस में, तो कोई आउटपुट मेरे पास नहीं आ रहा। मैं आपको जूम भी करके दिखा देती हूँ, देखो किसी किस्म का कोई आउटपुट नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इस ग्रीन की जगह सिंपल यहाँ पर रेड लिख दूं, ठीक है, तो फिर आप देखो नो आउटपुट प्रिंट होगा, सही है। मैं यहाँ पे आपको दोबारा से दिखाती हूँ, टीएससी मेन डॉट टीएस करें, अपने वहां पे ग्रीन ही रखना है, ठीक है। वैसे आपको दिखाने के लिए इसमें इसको कंसीडर कर लो, देखो नो आउटपुट लिखा हुआ है, सही है। तो यहाँ पे रेड की जगह हमारे पास क्या आएगा, ग्रीन आएगा, और हमारा टास्क नंबर जो 25 होगा वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा।